नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे कणाद केमिस्ट्री में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं पदार्थ की ठोस अवस्था द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में उसके सबसे महत्वपूर्ण इक्वेशन जिसे कहते हैं ब्रैग समीकरण। आज हम लोग ब्रैग समीकरण की बात करेंगे, लेकिन ब्रैग समीकरण के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए, उसको डिराइव करने से पहले आपको इतना जानना होगा कि ब्रैग पिता पुत्र थे दो। उनके द्वारा एक समीकरण दिया गया एक्सरे डिफ्रेक्शन के द्वारा, हालांकि वो एक्सरे रिफ्लेक्शन उसको कहना ज़्यादा बेहतर होगा। ठोस के विभिन्न सतहों पर एक्स किरण का प्रहार कराया गया। वे किरण ठोस के सतहों से टकराकर वापस परावर्तित होती हैं और उस वक्त जो आपतन कोण होता है वो थीटा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी एक्स किरणें जब ठोस के सतह से टकराती हैं तो वे परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, परावर्तित किरण केवल उस समय ही समान कला में होंगी जब सतहों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य के पूर्ण गुणक हो। परावर्तित किरण केवल उस समय ही समान कला में होंगी जब सतहों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य की पूर्ण गुणक हो। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। द वेव्स रिफ्लेक्टेड बाई डिफरेंट लेयर्स प्लेन विल बी इन फेज विथ वन अनदर ओनली इफ द डिफरेंस इन द पाथ लेंथ ऑफ द वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सक्सेसिव प्लेन्स इज इक्वल टू एन इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ। तरंग तभी एक कला में होंगी जब सक्सेसिव लेयर से विभिन्न परतों के द्वारा जो रिफ्लेक्टेड वेव्स है वे बराबर हों इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ बोलते हैं लेमडा। इंटीग्रल नंबर एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 .. इंटीग्रल नंबर बोलते हैं एन, वेवलेंथ हो गया लेमडा। इसके जब ये रिफ्लेक्टेड वेव्स एक फेज में होंगे, कब? जब सक्सेसिव लेयर्स के द्वारा, सक्सेसिव लेयर्स मतलब एक लेयर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह सक्सेसिव लेयर के द्वारा, सक्सेसिव प्लेन के द्वारा जो रिफ्लेक्टेड वेव होंगे वो वेवलेंथ के इंटीग्रल नंबर होने चाहिए। यानी वेवलेंथ हुआ लेमडा और इंटीग्रल नंबर कोई एक दे दिए हम लोग एन। इस एजम्पशन को मानकर ही हम लोग ब्रैग समीकरण निकाल सकते हैं। क्या इसका मतलब है, इस एजम्पशन का मतलब क्या है, उसकी बात मैं यहाँ पर आपसे करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग ठोस का एक लेयर ले रहे हैं जिससे एक्स रे आता है, टकरा कर लौट जाता है। कोई दूसरा एक्स रे आ रहा है और ये भी, कोई दूसरा एक्स रे आया और ये भी टकरा कर लौट गया। तो दो एक्स रे हम लोग दिखा रहे हैं, वो ठोस के विभिन्न प्लेन से टकरा कर वापस लौट रहा है। इन दोनों तलों के बीच की दूरी डी है। ठोस के किन्हीं दो तल के बीच, किन्हीं दो प्लेन के बीच की दूरी डी है। ये क्या है? इंसिडेंट एक्सरे है और ये रिफ्लेक्टेड एक्सरे है। इंसिडेंट एक्सरे और टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट निकल गया रिफ्लेक्टेड एक्सरे होगा। मान लेते हैं कि हम लोगों का जो ये किरण है वो इस ए पॉइंट पर आके टकराया, तो बी पर हम लोग एक ए से बी के बीच में एक लाइन खींच रहे हैं जो किसके बराबर होगा? डी के बराबर होगा। इन दोनों एक्स रेज के बीच में जो डिफरेंस है वो डी के बराबर है। और ध्यान रखिएगा, इस ए पॉइंट से हम लोग पीछे दूसरे एक्स किरण पर यदि लंब डालते हैं
तो इसको आप मान लीजिए सी, और यहां से इसको मान लेते हैं डी। अगर ये कोण थीटा है तो जाहिर सी बात है कि ये कोण भी थीटा होगा। त्रिभुज ए सी डी वैसा ही है जैसा त्रिभुज ए बी डी है, यानी कॉन्ग्रुएंट है, दोनों एक जैसे हैं। कौन? त्रिभुज ए बी सी कहिए और ए बी डी कहिए, दोनों त्रिभुज क्या है? एक जैसा है। एक्स किरण पहले लेयर से टकराकर लौट गई, दूसरे लेयर से टकराकर लौट गई। आपको ध्यान देने की बात है, जो दूसरा एंजम्पशन था, जो दूसरा हम लोगों ने माना कि ये कला में तब होंगी जब इन दोनों एक्स किरणों, जब इन दोनों एक्स किरणों के द्वारा तय की गई दूरी का अंतर जो होगा ना, वो एन लेमडा के बराबर होगा। तो दूसरा एक्स किरण पहले एक्स किरण से कितनी ज्यादा दूरी तय कर रहा है, कितना अधिक दूरी तय कर रहा है इस सॉलिड में, वो जरा देखिए। तो पहले एक्स किरण के तुलना में दूसरा एक्स किरण जो ज्यादा दूरी तय कर रहा है वो है आपका सीबी प्लस बीडी, और सेकेंड एजम्पशन के अनुसार, मान्यता के अनुसार, ये सीबी और बीडी इक्वल होना चाहिए एन लेमडा के। सीबी प्लस बीडी इज इक्वल टू एन लेमडा, यानी दूसरे एक्स किरण के द्वारा जो अधिक दूरी तय की गई है, पहले एक्स किरण और दूसरे एक्स किरण के तरंग के लंबाई में यहां पर जो अंतर हो रहा है वो कितने का हो रहा है? सी बी का और बी डी का। तो ये बराबर होना चाहिए एन लेमडा के, ऐसा मान लेते हैं हम लोग, तभी जाके हम लोगों का काम होगा कि सी और बी प्लस बी और डी के बीच जो दूरी है वो एक्स किरण अधिक दूरी तय करता है, दूसरा वाला एक्स किरण पहले के तुलना में, पहले एक्स किरण के तुलना में दूसरा एक्स किरण सी बी प्लस बी डी ज्यादा दूरी तय करता है, और वो बराबर होने चाहिए कितना के? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, कोई इंटीजर ले रहे हैं, एक दो तीन चार कुछ भी, और वेवलेंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे इनके। ध्यान रखिएगा, त्रिभुज को देखेंगे ए बी सी ए बी डी को, तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा फ्रॉम द एबव स्केच सी बी इज इक्वल टू बी डी, साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो सी बी है और ये बी डी है वो क्या होगा, आपस में एकदम बराबर होगा। तो जब ये बराबर होगा तो और टू सी बी बराबर एन लेमडा, और यहां से सी बी बराबर एन लेमडा बाई टू, इक्वेशन वन मान लिए, सी बी बराबर एन लेमडा बाई टू, इसको हम लोग इक्वेशन वन मान लिए। ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग इक्वेशन वन मान लेते हैं। अब इस आरेख को यहां से हटाना है, लेकिन बिना आरेख के हम लोगों का आगे कोई काम नहीं होगा। ये जो स्केच खींचे हैं हम लोग, जरा सा उसको देखिएगा गौर से आप, इसमें ए बी डी त्रिभुज, ए बी डी कैसा त्रिभुज है? तो आप कहेंगे कि ये ए बी डी जो ना वो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, कैसे? यहां समकोण आपको दिखाई दे रहा है, समकोण दिखाई दे रहा है, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, देखिए आ रहा है ना, समकोण त्रिभुज कट रहा है थोड़ा सा, चलिए उसे ला दे रहा हूं, समकोण त्रिभुज ए बी डी में ये एडजस्ट हुआ, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में साइन थीटा का मान निकालते हैं, साइन थीटा का मान निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब यानी परपेंडिकुलर, कर्ण हाइपोटेनस होता है तो परपेंडिकुलर बाई
हाइपोटेनस एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। तो यहां से अगर साइन थीटा का मान निकाले तो वो आपका लंब बटा कर्ण। तो कर्ण संपूर्ण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा, संपूर्ण त्रिभुज का जो सबसे बड़ा लाइन होता है, सबसे बड़ा भाग होता है लंबा वाला, उसे हम लोग कर्ण कहते हैं हमेशा। तो अगर यहाँ पे समकोण बन रहा है तो सामने उसका कर्ण होगा, और यानी h की जगह हम लोग और साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो अब बताइए लंब कितना है इस पे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो बी डी लंब की जगह बी डी, अब बाई कर्ण की जगह ए बी, कर्ण की जगह ए बी, कर्ण के जगह ए बी हाइपोटेनस के जगह पर, और बी डी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां से और बी डी बराबर ए बी साइन थीटा। अब थोड़ा सा, अब इसकी जरूरत हम लोगों को ज्यादा नहीं है, या फिर देखते हैं अगर हो जा रहा है तो, बी डी बराबर ए बी साइन थीटा, बी डी बराबर ए बी साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा बी डी बराबर ए बी साइन थीटा आया अभी तक, ए बी के जगह क्या है, ए बी के जगह दो प्लेन के बीच की दूरी है डी, रवेदार ठोस के दो परतों के बीच की दूरी है डी। तो यहां से या बी डी बराबर ये डी साइन थीटा आ गया। और ध्यान दीजिएगा बी डी किसके बराबर है, सी बी के, बी डी किसके बराबर है, सी बी के, और सी बी बराबर हम लोग क्या लाए थे, एन लैम्डा बाई टू, सी बी बराबर एन लैम्डा बाई टू। अब इस चित्र की हम लोगों को जरूरत नहीं है इस आरेख की, तो यहां से इसको हटा रहे हैं। एकदम ध्यान दीजिएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है, ब्रैग समीकरण चुटकियों का काम है ना। देखते हैं हम लोग यहां पर, देखिएगा बी डी बराबर डी साइन थीटा था, इसको हम लोग चलिए समीकरण दो मान लेते हैं, समीकरण दो मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा बी डी बराबर डी साइन थीटा, चूंकि चूंकि बी डी इज इक्वल टू, बी डी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू एल लैम्डा बाई टू, देयरफॉर सी बी इज इक्वल टू एल लैम्डा बाई टू, देयरफॉर एल लैम्डा बाई टू बराबर डी साइन थीटा, और एन लैम्डा बराबर टू डी साइन थीटा, एन लैम्डा बराबर टू डी साइन थीटा, इसे ही एन लैम्डा बराबर टू डी साइन थीटा, इसे ही ब्रैग समीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा एन लैम्डा बराबर टू डी साइन थीटा, इसे ही ब्रैग समीकरण कहते हैं। द इक्वेशन रिटन अबव इज नोन एज ब्रैग्स इक्वेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, ठोस पदार्थ की ठोस अवस्था से संबंधित ये सबसे महत्वपूर्ण समीकरण है, कौन, ब्रैग समीकरण, एन लैम्डा बराबर टू डी साइन थीटा। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ साथ आप लोग इसको समझ भी गए होंगे, बना भी लिए होंगे ना। एन लैम्डा बराबर टू डी साइन थीटा इज द ब्रैग इक्वेशन, और इस ब्रैग समीकरण की सहायता से हम लोग करते क्या है, तो ठोस के किन्हीं दो परतों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ठोस के किन्हीं दो परतों के बीच में, रवेदार ठोस के किन्हीं दो परतों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, किसकी सहायता से, एन लैम्डा बराबर टू डी साइन थीटा की सहायता से, एन लैम्डा बराबर टू डी साइन थीटा की सहायता से। अब ये जानना होगा कि इस समीकरण में एन क्या है, तो एन इंटीजर है, एक दो तीन चार डॉट डॉट, इफ एन इज इक्वल टू वन, यदि एन बराबर एक हो तो इसे फर्स्ट ऑर्डर का रिफ्लेक्शन कहेंगे, यदि तो इसे कहेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, एन इज इक्वल टू टू हो तो रिफ्लेक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, एन इज इक्वल टू थ्री हो रिफ्लेक्शन ऑफ थर्ड ऑर्डर, इस तरह ये एन का मान हुआ। लेमडा क्या है, लेमडा देखिए, तो लेमडा क्या है भाई, वेव लेंथ, वेव लेंथ ऑफ एक्सरे है,
लेमडा है वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, लेमडा है आपका क्या, एक्स किरणों का तरंग धैर्य है, लेमडा एक्स किरणों का तरंग धैर्य है, लेमडा एक्स किरणों का तरंग धैर्य है। डी क्या है जी, डी डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लेयर्स इन ए क्रिस्टलाइन, इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। डी क्या है, किसी रवेदार ठोस पदार्थ के दो क्रमागत सतहों के बीच की दूरी है। लेमडा क्या है, रवेदार ठोस के किन्हीं दो क्रमागत सतहों के बीच की दूरी है, और साइन थीटा के द्वारा हम लोग साइन थीटा वो जो आपतन कोण है, एक्स किरण किस कोण से आकर प्लेन पर टकराया और किस कोण से रिफ्लेक्ट हुआ वो थीटा का मान हो जाएगा। थीटा इज द इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल। थीटा क्या है भाई, आपतन कोण है या परावर्तन कोण है। और यहां इस ब्रेग समीकरण में जो एक्स किरण है और जो वो ठोस के सतहों से परावर्तित होता है वो परावर्तन के नियमों का पालन करता है, ध्यान रखिएगा परावर्तन के नियमों का पालन करता है। तो पिता पुत्र दो ब्रेग, अलग अलग उनका नाम है, ज्यादा ध्यान देने की उस पर आवश्यकता नहीं है। उन लोगों ने एक्स किरणों का परावर्तन प्रयोग करके, इसको एक्स किरणों का विवर्तन प्रयोग भी कहते हैं, डिफ्रेक्शन बोलते हैं इसको, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है हम लोगों को परावर्तन बोलना, रिफ्लेक्शन बोलना। तो ब्रैग महोदय के द्वारा, पिता पुत्र के द्वारा, एक ये रवेदार ठोस पदार्थ के दो तहों के बीच, दो प्लेन के बीच की दूरी निकालने के लिए एक समीकरण दिया गया जिसे ब्रैग समीकरण कहते हैं। इस समीकरण के अनुसार एन लेमडा इज इक्वल टू टू डी साइन थीटा। एक बात आपसे बता दे रहा हूं, केमिस्ट्री में कुछ ऐसे फॉर्मूला है जो कि आप कभी जिंदगी में भूल ही नहीं सकते हैं, उसी में से एक है ब्रैग इक्वेशन। चुनौती देकर मैं अब डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे चुनौती देकर कह रहा हूं, इस ब्रैग समीकरण को भूल कर दिखाइएगा, एकदम नहीं भुला सकते हैं। अगर किसी मैं बालक को बता दूं तो एक महीना बाद जब उससे मुलाकात होगी ना, पूछेंगे कि ब्रैग समीकरण क्या है, तो वो बोलेगा एन लैम्डा इज इक्वल टू टू डी साइन थीटा। किसी बालक को बताकर बाद में पूछिएगा ना कि ब्रैग समीकरण क्या है, तो वो कहेगा एन लेमडा इज इक्वल टू टू डी साइन थीटा, एन लेमडा इज इक्वल टू टू डी साइन थीटा। इस महत्वपूर्ण सूत्र के डेरिवेशन के साथ ही मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरे साथ जुड़े ना, और सबसे महत्वपूर्ण, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, हमसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, आपसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज, जय हिंद।